दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, अभी तक राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूले। जी दोस्तों, पुलिस के द्वारा किए गए रवैये के बाद अशोक वैष्णव ने मीडिया को एक संदेश दिया है पंचायती राज भर्तियों LDC और SSR के लिए। क्या है संदेश, वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेकर अंत तक। आइए दोस्तों, देखते हैं अशोक जी भाई साहब ने क्या संदेश दिया है मीडिया के माध्यम से। नरेगा कार्मिक जिंदाबाद, नरेगा कार्मिक जिंदाबाद। ये पिछले 3 दिन से हम लोग यहाँ पे आमरण अनशन कर रहे हैं। आमरण अनशन में सरकार से हमारी जो न्यायोचित मांग, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों के पक्ष में फैसला 2016 में हो गया, उसको लेकर लगातार आंदोलन विभिन्न स्तर पे किए गए। और यहाँ टोंक में 3 दिन से हम आमरण अनशन कर रहे हैं। आज 13 साथी जो हमारे आमरण अनशनधारी थे, उनमें से 2 साथियों को जबरदस्ती पुलिस प्रशासन उठा के ले गया है। और ये एक जुल्म की एक पराकाष्ठा हो गई है। हम राज्य सरकार से गांधीवादी तरीके से हम आमरण अनशन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारी न्यायोचित मांगों को लागू करें। कल संपूर्ण राजस्थान से जो आज हमारे साथ हुआ, इसके विरोध में करीब 1000 के लगभग नरेगा कार्मिक यहाँ उपस्थित होंगे और लगभग 100 के लगभग नरेगा कार्मिक यहाँ कल और हम आमरण अनशन पे उतरेंगे। चाहे जितना हमारे पे जुर्म हो, लेकिन हम हमारी न्यायोचित मांगों से पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार को हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी। नाम और पद बदल अशोक कुमार वैष्णव, प्रदेश अध्यक्ष नरेगा कार्मिक संघ। क्या मांगती है और प्रशासन का क्या रवैया? हमारी पंचायती राज LDC भर्ती 2013, SSR भर्ती 2013 की मांग को लेकर हम पिछले काफी लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं। और उस संघर्ष में 2 तारीख से हम यहाँ टोंक जिला मुख्यालय पे पंचायती राज विभाग के मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री जी के गृह विधानसभा क्षेत्र में हमने आमरण अनशन शुरू किया। आज प्रशासन ने जबरदस्ती हमारे गांधीवादी आंदोलन में से 2 साथियों को उठा के ले गए हैं और इसकी हम पूरे राजस्थान में घोर निंदा करते नरेगा कार्मिक। और कल 1000 की संख्या में यहाँ टोंक में आएंगे और करीब 100 के संख्या में हम लोग आमरण अनशन में बैठेंगे। और हम सरकार से मीडिया जगत के माध्यम से हमारा आह्वान है कि हमारी न्यायोचित मांग पे जल्दी निर्णय करें, वरना हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो दोस्तों, ये थे अशोक जी वैष्णव, प्रदेशाध्यक्ष नरेगा कार्मिक संघ। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टोंक पधारें। लगभग अशोक जी भाई साहब ने 1000 के लिए बोला है, तो आप लगभग 4 से 5 हज़ार के बीच टोंक पहुँचें और लगभग 100 से 150 यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचा, ताकि पंचायती राज LDC भर्तियाँ 2013, चाहे वो SSR हो चाहे LDC भर्ती हो, उनको संपन्न करवाया जा सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।